हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। तो भाई अभी अभी ऊपर आया और एक सैड न्यूज़ है। पहले तो आप एक वीडियो में लगाता हूँ, पहले तो वो वीडियो देखें आप। तो हमारा जो एक कबूतर था, पहले तो आप वीडियो देखें, उसमें आपको पता लग जाएगा। थोड़ा मैंने उसको बताया है, तो पहले आप वीडियो देखें वाली, फिर मैं आपको और बताता हूँ। हाँ भाई, तो ये देख सकते हैं, ये हमारा एक कबूतर था जिसकी उम्र तकरीबन जो हमारे पास जो था, ये तकरीबन 14 साल से ये हमारे पास था कबूतर। ही देख सकते हैं भाई, ये आज मर चुका है। इसके बहुत बच्चे मरने लिए, इसको उड़ाए भी। ये देख सकते हैं भाई, इसकी आँख पीली आँख का था ये, लेकिन अफसोस ये बच नहीं सका भाई। कोई बीमारी में आ गया था, पोटे की बीमारी में। देख सकते हैं इसका मुंह भी कैसा हो रहा है, गंदा गंदा। तो ये भाई पोटे की बीमारी अभी चल रही है। एक दो कबूतर को और भी लगी थी, वो भी थोड़े ऐसे ही हो रहे हैं, सुस्त उस्त। लेकिन ना दाना पानी सब कुछ खाना छोड़ जा रहा है, कैसे कमज़ोर हो गया था। सीप देखें कैसे निकली हुई है इसकी, ये देखें ये इतनी अंदर, मेरा उंगली इतनी अंदर जा रही है, हड्डी देखें इतनी निकली हुई है इसकी। तो भाई ये मर गया आज कबूतर, 14 साल पुराना कबूतर था ये हमारा। ये मेरे मामू के पास था पहले, फिर उसके बाद उनके दोस्तों के पास गया, फिर मेरे पास आया, लेकिन हमारे पास आज के मर गया। ये तकरीबन 3 साल से ये हमारे पास था, 3 साल बाद ये हमारे पास मर गया भाई। इसके बच्चा एक ही निकला है वैसे तो, क्योंकि उम्र बहुत थी इसकी, लेकिन फिर भी इसने आखिरी दफ़ा एक अंडा बच्चे कराया था, उसमें से एक बच्चा इसका बचा हुआ है। इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएगा कभी, लेकिन भाई ये कबूतर मर गया भाई। तो भाई आपने वीडियो देखी होगी, हमारा जो कबूतर था, मेरे मामू का जो नर था, मैंने आपको बताया वीडियो में, वो 14 साल तकरीबन था वो मेरे मामू के पास था, तकरीबन 10 साल, और उसके पास एक दो साल लेना किसी के, मेरे मामू के दोस्त के पास था, और उसके बाद से हमारे पास था तकरीबन 1-1.5 साल से हमारे पास ही था वो नर। तो भाई अब वो नर एक्सपायर हो चुका है, आपको दिखाया था मैंने। वो बीमार हो गया था, पता नहीं उसको पोटे में क्या हो गया था, उसका चक्कर मेरे को समझ में नहीं आया भाई, तो वो मर गया हमारा। उसकी एक मादी, देखिए मैं बताऊँ आपको, उसमें मैंने बताया था उसमें वीडियो में कि इसका एक बच्चा भी था। वो बच्चा मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, पहले मैं आपको मादी दिखा दूँ। उसके साथ मादी कौन सी लगी हुई थी लास्ट टाइम में, जो मादी लगाई थी हमने उसके साथ, वो ये मादी थी भाई। मार लगाई भी क्या थी, खुद ही लग गई थी ये मादी। ये जो आप छापदार मादी देख रहे हैं, जो दीवार से लग के खड़ी हुई है, ये वाली, ये जो मादी है ना, ये वाली मादी थी, उसके साथ लगी हुई थी ये। तो अभी अकेली हो गई वैसे तो, और मैं आपको बताऊँ इसके साथ जो बच्चा निकला है ना, वो ये बच्चा है भाई। ये देखिए, ये जो बोल रहा है ना बच्चा, ये बच्चा निकला है उसके साथ का, वो माशाल्लाह से आउट क्लास बच्चा निकला है। ये देख सकते हैं इसमें कितनी चमक है, ये देखिए कैसे फिरते रहता है ये। ये देखें भाई, ये देखें, ये बच्चा निकला भाई। तो भाई अभी ये संभाल लो, उसकी आखिरी निशानी है ये, इसको हमारे को संभाल के रखना है इंशाल्लाह। तो इसको अभी उड़ाएंगे भी नहीं हम, इसको यहीं पर रखेंगे इंशाल्लाह, इसको बड़ा करेंगे, इसके बच्चे लेंगे इंशाल्लाह हम। इसको भी इंशाल्लाह 14-15 साल से ज़्यादा जिएगा अपने बाप से ज़्यादा। तो भाई यही था, और मैंने बताना था आपको कि भाई वो कबूतर मर गया। बाकी भाई ये देख सकते हैं, ये जो हमारी कबूतरी, ये जो हमारे नेबर्स जो हमारे बराबर में वाले, उन्होंने इन्होंने पकड़ के दी थी हमारे को एक कबूतरी। तो भाई कबूतरी ने ना अंडे दे दिए माशाल्लाह से, और मैं मेल बताऊँ आपको कौन सा मेल लगा इसके साथ। ये देखें, ये कबूतरी है, उसके साथ मेल हमने, मेल खुद ही लग गया, हमने लगाया नहीं है, ये वाला वाइट वाला मेल लग गया भाई इसके साथ। जो वाइट वाला मेल देख रहे हैं ना, ये वाला मेल लग गया इसके साथ। ये कबूतरी है और वो मेल है, ये वाला मेल है। ये देखें अभी इनने अंडे दिए, ये रहे इसके अंडे, तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए इस अंडों को। तो अभी सेक रही है ये, मेरे को देख के उड़ गई, क्योंकि दरवाज़ा यहीं पर है, जैसे मैं आना यहाँ पर देख के मेरे को उड़ गई। अभी इसको ज़्यादा पहले फर्स्ट टाइम इन अंडे दिए शायद, क्योंकि आड़कली की जब आई थी, पकड़ी थी आड़कली की थी, तो अभी इन्हें फर्स्ट टाइम दिए अंडे माशाल्लाह से हमारे पास। तो भाई देखते हैं इसके बच्चे कैसे निकलते हैं, गिरे बालों पट्टियालों के रास। बाकी भाई ये हमारे एक दोस्त का कबूतर था, ये देख सकते हैं कैसा खूबसूरत कबूतर है, ये हमने ले लिया उससे। ये देखें भाई कैसा खूबसूरत कबूतर है, ये देखें माशाल्लाह से। ये लोग चलो जाओ, फिर तो अभी बच्चा है ये, इंशाल्लाह बड़ा हो जाएगा, इसका जोड़ा बनाएंगे हम। एक ही बच्चा था, बाकी इसमें से ये बच्चे निकलने वाले हैं, 1 से 2 दिन में बच्चे निकल जाएंगे इसके भी। बाकी ये बच्चे बड़े हो गए, ये भी बाहर आने वाले हैं बस।
ये देखें भाई, ये भी बाहर आने ही वाले हैं। बाकी ये चूजे हैं ना, इनको मार रहे हैं भाई, हमारे कबूतरों को ना मारते हैं चूजे भाई, खतरनाक होगा। इनको बंद करना पड़ेगा, इनके लिए पिंजरा विंजरा बनाना पड़ेगा या पिंजरा लेके आना पड़ेगा, तो ऐसे ये मानेंगे, वरना तो ये देखिए कैसा खतरनाक हो गया ये, हमारे को भी डरता नहीं है हमारे से भी अब। चलो भाई जाओ, चलो। और बाकी एक बच्चा ये है, ये भी बड़ा हो गया माशाल्लाह से भाई, ये भी इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा 102 दिन में। और बाकी इन्हें वापस चढ़ने देनी है, ये इस वाले बच्चे की माँ है ये वाली, तो इंशाल्लाह इन्हें वापस अंडे देनी है, वापस देखते कैसा बच्चा निकलता है। बाकी गोला अंडों में यहाँ भी ठीक है, गोला का जोड़ा वापस जाने वाला है, बस अगली वीडियो में आपको शायद दिखे या नहीं दिखे, गोला का जोड़ा जाने वाला है। ये नरे बन के और ये मादी बैठी हुई है, ये जोड़ा चले आएगा, जुनैद भाई का जोड़ा है, जुनैद भाई के पास चले आएगा भाई। बाकी और पर ये देख सकते हैं भाई, ये हमारा लोटिनों का जोड़ा हमने इसके अंदर बंद कर दिया था भाई, और ये हमारे इसमें बंद कर दिया था हमने। बाकी ये ब्लू वाला खुला हुआ है बस, बाकी सारे हम बने बंद कर दिए हम। तो ये अब मुर्गों को भी नहीं खोल ले, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से भाई ये बाहर है ना, ये बिल्कुल हाँप जाते हैं। अभी भी देखिए गर्मी अंदर है, ये जब भी यहाँ पर देख सकते हैं भाई, पानी वानी सब फूल है, पानी वानी फूल देता है यहाँ पर, ये देख सकते हैं भाई ये सारे। अब हमने खोलना बंद कर दिए, ये देखें ये मुर्गी यहाँ पर है, ये दो लड़ती है तो हमने फिर अलग कर दिया अभी तक। और बाकी वो जो बच्चा है जो कबूतर ने निलवाया था, उसके साथ लेके आया था मैं, लंबी कहानी है, वो भी नीचे है। बाकी ये तीनों खुले रहते हैं, ये तीनों हमारे कबूतर को तंग करते हैं भाई, ये देखें भाई ये दो माशाल्लाह से बड़े बड़े। अब ये पता नहीं क्या दोनों मुर्गियाँ हैं या दोनों, ये तो मुर्गी है पक्की, बाकी इसका पता नहीं है मेरे को ये क्या है, ये नर है या मुर्गी है या मुर्गा है, बाकी इसका तो पक्का ये भाई मेल है, ये माशाल्लाह से मेल है भाई। चलो भाई जाओ, ये लो, ये देख सकते हो ये तो मेल है पक्का। तो भाई इनको शाम की डाइट दे देते हैं, अभी शाम में मैं अभी आया था ऊपर, महीने का पहले तो वीडियो बनाऊँ कबूतर हमारा मर गया वाला, तो जब मैं वीडियो बना नहीं सका था जब वो मरा था, बस वो छोटी सी वीडियो बना ली थी मैंने, टाइम नहीं था हमारे पास, तो अभी मैंने वीडियो बना लूँ, मैंने कहा चलो उसके वीडियो बना के इसके साथ जोड़ दूँगा यानी वीडियो के साथ। तो लो भाई पहले तो मैंने अपने चूजे को डाल लेना यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर खा लेंगे, ये लो भाई ये लो, चलो यहाँ पर खाओ, ये देखें यहाँ पर डाल देते हैं भाई, वरना तो नीचे आके कबूतर को भी खाने नहीं देते, वो खुद भी ऐसे चुपते रहते हैं एक दूसरे के। ये लो भाई ये लो, अब कबूतर को डालते हैं, कबूतर अब खा लेंगे, ये लो भाई ये प्याला रख दिया मैं इसमें खा लेते हैं, थोड़े से कबूतर तो रहेगा। बाकी इसमें तो और भी चले आएंगे परसों जुम्मे को, अभी आज है बुध, तो चले आएंगे जुम्मे तक, ये थोड़ा सीधा कर दें हम। ये लो भाई ये लो भाई ये लो, खाओ 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 भाई। वीडियो भी मेरे को पता है कि लेट हो रही है, वीडियो टाइम नहीं मिल रहा हमारे को, लेकिन हमने पूरा फोकस यहीं पे करा हुआ है, इंशाल्लाह और भी चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए, सरप्राइज है। मेरे गर्मी देख के चूरी मेरे पसीना देख के जा रहा है भाई, खतरनाक गर्मी हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं वेंटिलेशन का भी सिस्टम बना रहे। वैसे तो ये दरवाज़ा हैगा इतना बड़ा, जाली का और खिड़कियाँ भी है, वेंटिलेशन होती रहती है, लेकिन गर्मी फिर भी है, या पंखा वंखे का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा हमारे को, तो भाई इंशाल्लाह करेंगे बहुत जल्द। और आपके लिए सरप्राइज भी है, दो चीज़ें और आने वाली हैं हमारे सेटअप पे, जो फर्स्ट टाइम आएंगी तकरीबन, क्योंकि पहले मैं कभी लाया नहीं वो चीज़ें, इंशाल्लाह आएंगी बहुत जल्द, आपको पता लगने वाला है, तो वो सरप्राइज आपके लिए इंशाल्लाह। और उनके लिए बाहर हम बनाएंगे सेटअप थोड़ा सा, तो वो भी आप देखा जरूर। तो भाई ये दाना अभी खा लेंगे इंशाल्लाह, पानी वाली पी रहे, मुर्गों को भी डाल देते भाई, मुर्गियाँ भी हमारी, क्योंकि खोल तो रहे नहीं हम, इसके अंदर ही डाल लें दाना पानी। लो भाई लो खाओ, ये लो भाई ये लो खा लो, इनको भी डाल दिया, इनको भी डालें भाई, ये लो भाई ये लो खाओ, ये लो 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 यहाँ खाओ, पानी इनको डाल देते, पानी इनका खुशक पड़ा भाई, ये लो भाई। चले भाई इसको भी डाल दिया पाना, पानी वानी और दाना, और थोड़ा सा ये दोनों दाना बचा हुआ है, ये हमारी ये वाली मुर्गी, ये जो हमारी लड़ाकू मुर्गी है, इसकी वजह से हम बंद करा इसको अलग, इसी वजह से इसको यहाँ बंद करा, लड़ाकू मुर्गी है हमारी। चले भाई इसको भी दाना डाल दिया, ये खा लिया माशाल्लाह से, देख सकते खा लो। और ये हमारा बच्चा ये भाई ख़तरनाक निकला, ये हमारे को भी काटने लग गया, तो उसको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। ये देखें भाई एकदम हमला करता है, डरता भी है लेकिन हमला भी करता है भाई। ये लो खाओ, अब देखिए वो पानी की वहाँ पड़ी हुई है, अब मेरे को उठाने में परेशानी होगी, ये मेरे को काटेगा ज़रूर। हटो भाई हटो,
वो खाने दो यार, चलो यो काटा नहीं, काटा नहीं हमारे को। लो अभी पानी डाल देते इसके अंदर हम। लो भाई लो पानी, ये लो भाई इसको भी पानी डाल लिया और इसको भी डाल देते यहाँ पर। चले भाई सबको पानी वानी कर दिया, दाना वाना डाल दिया। चले भाई ये शाम की राइड हो गई इनकी मुकम्मल और दाना हो गया ख़त्म। कल इंशाल्लाह हमारे को लाना पड़ेगा, इंशाल्लाह लेके आएगी कल। और कबूतर वबूतर खा रहे सारे। बाकी डफ को तो हम सुबह ही करते हैं, एक ही दफ़ा करते हैं डफ का, एक ही जोड़ा बचा है। अब पता नहीं दोनों मेल हैं दोनों फीमेल है, ये हमारा कंफर्म नहीं है इसका। बाकी फिंचेस का भी इंशाल्लाह प्रोग्रेस होने वाली है, बच्चे निकलने वाले हो गए, एक अंडा तो उसमें था, बाकी इसमें भी कुछ चल रहा है क्योंकि बार बार से करना जा रही हैं चिड़ियाँ। बाकी बजीज की अभी हमने मटकियाँ हटाई हुई हैं क्योंकि आपको पता है गर्मी इतनी ख़तरनाक हो रही है भाई, तो अभी इनके लिए ब्रीडिंग करना मुश्किल होगा। तो अभी हमने इसके मटकियाँ हटाई हुई सारी। तो फ्रेंड्स देखिए आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल घर के परिंदे। तो मिलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में यह रखेगा फिर हमने।